सो हेलो, वेलकम यू ऑल। आई एम रोहित फ्रॉम महाजन रेजो। गाइस, हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो आप देख सकते हो इसका करंट प्राइस चल रहा है 8.75 रुपये के आसपास। तो हमने एक यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया, हमने कुछ पैटर्न्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। सिंपल जो एनालिसिस हम करने वाले हैं इसमें कि आगे इसमें क्या हो सकता है। सो सिर्फ हमने दो ट्रेड लाइन बनाई है, एक सपोर्ट वाली और एक रिजेक्शन वाली। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, अब देख सकते हो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था वोडाफोन आइडिया ने, लगभग 8 रुपये के समथिंग इसने ब्रेकआउट दिया। फिर ये ऊपर की ओर गया था, फिर नीचे की ओर आया, फिर इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया था चाला, फिर ये ऊपर की ओर गया। और जो ये लेवल था इसका 13 रुपये के समथिंग, इसको टच करते हुए रह गया और 13.20 रुपये से फिर से नीचे आया। और फिर से उसी जगह पर इसने सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया। सपोर्ट लेते ही इसमें अच्छा जम देखने को मिला और ये 13 रुपये तक गया है। हमें लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसे फिर से उसी जगह पर तीसरी बार रिजेक्शन मिला है, पर यहाँ पर इसने टच किया है 13.65 रुपये का जो लेवल है इसने टच किया है। फिर ये फिर से नीचे आया और यहाँ पर इसने वो तीसरी बार अपना सपोर्ट लेवल पर टच किया है इसने इस जगह पर, आप देख सकते झूम करके। और यहाँ से ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेंगे अपने 13 रुपये के लेवल पर। तो यहाँ से रिटेस्ट करके सपोर्ट लेके आराम से ऊपर की ओर जा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। जून के एंडिंग तक ये जो अपना टारगेट रहेगा ये वाला 9 रुपये, अपना 10 रुपये का जो टारगेट है इजीली टच कर सकता है और ये ऊपर जा सकता है। अगर इसके फंडामेंटल्स, इसकी न्यूज़ और सब ठीक रहा तो ये आराम से जो 13 रुपये का जो टारगेट है वो अचीव कर सकता है। सो गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया शेयर है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, वेट कर सकते हो, अच्छा खासा ये रिटर्न कमा कर दे सकता है। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खरीदते हो तो ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।